डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत का दिखा असर, मजबूती के साथ हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सोना चांदी दोनों में दिखी मामूली गिरावट, टेक दिग्गज एनवीडिया ने एक बार फिर एप्पल को पछाड़ा, यात्री वाहनों की बिक्री में आया रिकॉर्ड उछाल, देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी को लेकर बड़ी खबर, दूसरे फेज में भारत ब्रांड के तहत सस्ती खाद्य सामग्री होगी उपलब्ध। आज भारतीय शेयर बाजार में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का असर साफ देखने को मिला। एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत हुई, तो वहीं उसका असर ये हुआ कि भारतीय शेयर बाजार बुल रन से भागता दिखा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बुधवार 6 नवंबर को मजबूती के साथ दोनों सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए। आज बीएससी सेंसेक्स 901.50 अंक उछलकर 80,378.13 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि एनएससी निफ्टी 270.75 अंक बढ़कर 24,484.05 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं शेयर बाजार में आज आईटी कंपनियों के शेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी रही। आज टॉप गेनर्स में शामिल टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयरों में 3.5 से 4% तक की तेजी आई। शेयर बाजार में तेजी के चलते बुधवार को बीएससी पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 453 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एक दिन में निवेशकों को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जिसमें मार्केट कैप में 7.91 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। अब बात सराफा बाजार की। भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में आज लगातार तीसरे दिन मामूली गिरावट देखने को मिली। घरेलू सराफा बाजार में बुधवार 6 नवंबर को 24 कैरेट गोल्ड 78,106 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि 22 कैरेट गोल्ड 73,400 रुपए के आसपास है। वहीं आज चांदी की कीमत 96,000 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब है। अब बात व्यापार जगत की कुछ अन्य खबरों की। टेक दिग्गज एनवीडिया एक बार फिर एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। मंगलवार को एनवीडिया का शेयर 3% बढ़कर $3.43 ट्रिलियन पर बंद हुआ, जबकि एप्पल का मार्केट कैप $3.38 ट्रिलियन रहा। वहीं माइक्रोसॉफ्ट $3.1 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ तीसरे पायदान पर रहा। एनवीडिया ने अपनी दूसरी तिमाही में $30 अरब की आय दर्ज की, जो पिछले वर्ष से 122% अधिक थी। कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग ने बताया कि उनकी हॉपर चिप्स की मांग मजबूत है और आगामी ब्लैकवेल चिप्स के लिए भी उत्साह है, जो एआई तकनीक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं देश में अक्टूबर 2024 में वाहनों की रिटेल बिक्री वार्षिक आधार पर 32% बढ़कर 28,32,944 इकाई हो गई है, जिसमें दो पहिया और यात्री वाहनों की बिक्री में प्रमुख तौर पर वृद्धि रही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार ग्रामीण मांग, रबी फसलों के लिए एमएसपी वृद्धि और त्योहारी सीजन की वजह से बिक्री में तेजी आई। इस दौरान यात्री वाहनों की बिक्री 32.38% बढ़कर 4,83,159 इकाई हुई, जबकि दो पहिया वाहनों की बिक्री 36.35% बढ़कर 20,65,095 इकाई रही। अक्टूबर 2024 में तिपहिया वाहनों की बिक्री वार्षिक आधार पर 11.45% बढ़कर 1,22,846 इकाई हो गई। त्योहारी ऑफर और गाड़ियों के नए मॉडल पेश होने से मांग में और वृद्धि हुई। एसोसिएशन ने भविष्य में शादी सीजन के कारण वृद्धि की उम्मीद जताई है, हालांकि आर्थिक चुनौतियां बिक्री को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा भारत की प्रमुख बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 800 मेगावाट क्षमता की 3 नई परियोजनाओं के लिए 29,344.85 करोड़ रुपए का निवेश मंजूर किया। कंपनी ने शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा गाडरवारा और नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरणों में भी 800 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए क्रमशः 20,445.69 करोड़ रुपए और 29,947.91 करोड़ रुपए का निवेश स्वीकृत किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अधीन एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है।
बता दें एनटीपीसी की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 30 सितंबर 2024 तक 76,443 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष के 73,824 मेगावाट से अधिक है। वहीं केंद्र सरकार ने रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं जैसे आटा और चावल सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने के लिए भारत ब्रांड के तहत बिक्री के दूसरे चरण की शुरुआत की। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पहल की शुरुआत करते हुए NCCF, नेफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। इस चरण में आटा 30 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल 34 रुपए प्रति किलो की दर पर मिलेगा। सरकार ने 3.69 लाख टन गेहूं और 2.91 लाख टन चावल 3 संगठनों को उपलब्ध कराया है। पहले चरण में 15.20 लाख टन आटा और 14.58 लाख टन चावल वितरित किए गए थे। दूसरे चरण में भारत ब्रांड का आटा और चावल 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के बैग में बेचा जाएगा। ये खाद्य सामग्री मोबाइल वैन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, बड़े रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगी, जिससे ग्राहकों को विभिन्न आकारों में सुविधा मिलेगी।